आप सुन रहे हो चित्रकथा हिंदी। डरने के लिए तैयार हो जाओ। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। राजीव अपनी साइकिल से घर को वापस लौट रहा था। उसने एक हाथ से साइकिल का हैंडल और दूसरे में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैश लाइट की रोशनी में वो रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जंगल के सन्नाटे को चीरती उल्लू और सियारों की आवाज से उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको अब इन सबको रोजाना सुनने की आदत सी बन गई थी। बस आधा घंटा और उसके बाद गांव आ जाएगा। आज तो दुकान पर बहुत काम था। इतनी थकान है, कम से कम 8 रोटी तो खाऊंगा ही। उसको सड़क पर लाल लाल रंग बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज करके वहां से निकलना चाहा, पर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। जैसे उस रंग के ऊपर उसकी साइकिल का टायर चढ़ा, साइकिल स्लिप हुई और वो गिर पड़ा। कमबख्त, ये भी मेरे साथ ही होना था। उसके दोनों हाथ जमीन पर थे और वो रंग उसके हाथों पर लग चुका था। तब उसने नाक के पास लाकर अपने हाथों को सूंघा तो अरे ये तो खून है। वो जल्दी से उठा और अपनी साइकिल को खड़ा किया। तभी उसको एक भयानक आवाज सुनाई दी। सुनने में यह आवाज किसी भेड़िए के गुर्राने की लग रही थी। इस आवाज को सुनकर उसका गला सूखने लगा। वह साइकिल पर बैठ वहां से भागने ही वाला था कि तभी जंगल से झाड़ियों को चीरता हुआ एक बेहद ही भयानक जीव उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके पैर और हाथ बालों से भरे थे। नाखून और दांत वनमानुष के जैसे लग रहे थे। चेहरे और सर पर एक भी बाल नहीं था। आंखों की पुतलियां लाल थी। उसे देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई और दिल की धड़कनें रुक सी गई। उसने राजीव को दबोच लिया और अगले ही पल राजीव का एक हाथ उसके जबड़े के बीच था। उसने एक पंजा राजीव के पेट में मारा और उसको चीर डाला। राजीव ने दम तोड़ दिया। वो बड़ी ही बेसब्री के साथ चबड़ चबड़ कर राजीव का मांस खाने लगा। एक भेड़िया दूर से उसको देखकर रोर कर रहा था। दूर हिमालय की ऊंचाइयों में जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आश्रम था। इस आश्रम के गुरु थे श्री मोहनदास। इस आश्रम में उनके कुल 25 शिष्य थे। एक रात गुरुजी को सपने में दिखाई दिया कि वे अपने आश्रम के बाहर कुल देवी के पास बैठे हुए अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। तो वे अचानक से धरती हिलने लगी और उनके शिष्य डरते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कुलदेवी के अंदर से बहुत तेज धार के साथ खून निकलकर जमीन पर बहने लगा। ये देख सभी चीख पुकार करने लगे। तभी एक भयानक आवाज फिजा में गूंजने लगी। आज से इस दुनिया पर सिर्फ शैतान का राज होगा। सिर्फ शैतान का राज। नरभक्षी आ रहा है। इतना सुनते ही उनके सभी शिष्य इधर उधर भागने लगे। बाबा की आंख खुल गई। राम राम राम, कुलदेवी से खून, इतना भयानक सपना, जरूर जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। तभी उनको किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी सांस रोककर उस आवाज को अच्छे से सुनने की कोशिश की तो पता चला यह आवाज उनके पठन कक्ष से आ रही थी। इतनी रात में कौन पढ़ाई कर रहा है? ऐसा कहकर वह कक्ष की तरफ बढ़ गए। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो उनके शिष्यों में से कोई एक बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। वह चुपचाप उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसने लाल किताब खोली हुई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? इस किताब को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी उसने गुरुजी को पलट कर देखा। यह उनका सबसे बड़ा शिष्य महेश था। महेश, तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो? गुरुजी, आपने मुझे हर विद्या सिखाई, मैंने भी आपकी हर बात मानी और हमेशा आपकी भरपूर सेवा की, पर आप इस लाल किताब की सिद्धि मुझे क्यों नहीं सिखाना चाहते थे? यह किताब काली दुनिया के दरवाजे को खोलने का रास्ता है। अगर ये गलत हाथों में लग गई तो इतना समझ लो कि इसमें लिखी सिद्धियों से दुनिया में प्रलय आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मैंने एक सिद्धि पढ़ी है और मैं उसके जरिए नरभक्षी को जिंदा करके ही रहूंगा। ऐसा सोचना भी मत, वो आ गया तो समझो दुनिया खत्म। माफ करना गुरुजी, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। ऐसा कहकर उसने अपने झोले में छिपा चाकू निकाला और गुरुजी के हाथ पर चला डाला। गुरुजी दर्द से तड़प उठे। कोई वहां पहुंचता,
इससे पहले ही महेश उस किताब को झोले में डालकर वहां से भाग निकला। काफी दूर निकलने के बाद उसने किताब को खोला और वही पन्ना पूरा पढ़ा जिसको वो पठन कक्ष में पढ़ नहीं पाया था। उसको पूरा पढ़ने के बाद वो शैतानी अंदाज में हंसते हुए बोला, अब मुझे नरभक्षी का दांत हासिल करना है, उसके बाद आगे की विधि पूरी करूंगा। 3 दिन का सफर पैदल ही तय करने के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचा। उसके हाथ में एक मशाल थी और वो एक गुफा के सामने खड़ा था। यही वो गुफा है जिसमें उसने आखिरी सांस ली थी। मुझे जल्दी करके उसको ढूंढना पड़ेगा। वो उस गुफा के अंदर घुस गया। रास्ते में उसको जानवरों के कंकाल नजर आते, कहीं किसी का हाथ, कहीं किसी का पांव, और कभी उसको मानव कंकाल भी नजर आया। लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद वह एक जगह पहुंचा जहां की मिट्टी लाल नजर आ रही थी। किताब में इसी लाल मिट्टी के बारे में लिखा था, शायद यही सही जगह है। उसने अपना झोला उतारा, मशाल को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और फिर लाल मिट्टी को जमीन से हटाने लगा। काफी देर खोदने के बाद एक गड्ढा सा बन गया और दिमाग को सड़ा देने वाली बदबू उस गड्ढे से आने लगी। आखिरकार उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने उसको निकाल कर देखा तो वो किसी जानवर की खोपड़ी जैसी नजर आ रही थी। मिल गया। मिल गया। उसने उस खोपड़ी को निकाला और अपने झोले में डाल लिया। तभी गुफा में भौचाल आ गया। उसने झोले को कंधे पर वापस टांगा और तेजी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, एक चट्टान गिरी और गुफा का मुंह बंद हो गया। शुक्र है बच गया। अब वो एक जंगल में पहुंचा जिसके पास ही द्वारका नाम का एक गांव था। जंगल में बैठकर उसने खोपड़ी को अपने सामने रखा, एक एक करके अपने झोले से तंत्र मंत्र का सामान निकाला, फिर उस खोपड़ी को उपासना करने लगा। ऐसे ही रात में रोजाना वो उसकी उपासना करता रहा। तीसरी रात को उस खोपड़ी की आंखें किसी लाइट की तरह जलने लगी और उसके अंदर से आवाज आने शुरू हुई, मैं तुम्हारी उपासना से बहुत खुश हूँ महेश, उम्मीद है तुम भी मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे शक्तियाँ प्रदान कीजिए ताकि मैं आगे की विधि पूरी कर सकूं और जल्द से जल्द आपका एक नया अवतार, एक नया नरभक्षी इस दुनिया में ला सकूं। अवश्य मेरे भक्त, अवश्य। ऐसा कहते खोपड़ी के माथे से ऊर्जा निकली और महेश के सीने पर किसी लेजर लाइट की तरह पड़ी। कुछ देर बाद महेश को अपने खून के अंदर कुछ अलग तरह का संचार होते हुए महसूस हुआ। जाओ आगे की विधि पूरी करो। ऐसा कहते खोपड़ी के अंदर से निकल रही लाइट बंद हो गई और उस खोपड़ी का एक दांत सोने के जैसा चमकने लगा। उसने वो दांत उस खोपड़ी से निकाल लिया तो खोपड़ी अपने आप जलकर राख बन गई। उसने उस दांत को एक काले धागे में बांधा और अपने गले में डाल दिया। अगली सुबह वो द्वारका गांव की सरहद के पास बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसके पास आना शुरू किया और उससे अपनी परेशानियों का समाधान पूछा। उसने अपनी शक्तियों के जरिए कई गांव वालों की मदद की और कुछ ही दिनों में वो मशहूर हो गया। अब गांव के लोगों ने मिलकर उसके लिए एक शिविर बनवा दिया जिसके अंदर वो आराम से रहने लगा। इसी गांव में सुधीर अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। शादी के कई साल गुजरने के बाद भी पार्वती को बच्चा नहीं हुआ था। सुनिए जी, हमने इन 2 सालों में कितने चिकित्सक और बाबाओं को दिखाया लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये महेश बाबा जो गाँव में आए हैं, इनकी चर्चा पूरे गाँव में है। हमें एक बार इनसे चलकर बात करनी चाहिए। मुझे तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम कहती हो तो एक बार चलकर देख लेते हैं। आपस में रजामंदी करके दोनों महेश के शिविर में पहुंचे। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। हमारे पूरे गांव में आपके चमत्कार के चर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मिल जाएगा, एक औलाद चाहिए ना, मिल जाएगी। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। बाबा अगर ऐसा है तो हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमको औलाद केवल काले इल्म के जरिए ही मिल सकती है। हम तैयार हैं बाबा, काले इल्म के जरिए ही सही, मेरी गोद तो सूनी नहीं रहेगी ना। ठीक है, 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, मैं तुमको अपनी विद्या के जरिए काली दुनिया में भेजूंगा।
कुछ ही समय में तुम वहाँ से वापस आ जाओगी। उसी रात तुम दोनों को एक होना है। कुछ दिन बाद तुमको एहसास हो जाएगा कि तुम माँ बनने योग्य हो चुकी हो। जैसा आप कहें बाबा। दोनों वहाँ से खुशी खुशी घर वापस आ गए। तीसरी रात जो कि अमावस्या की थी, दोनों महेश के पास पहुँचे। महेश कुंड के सामने बैठा था। उसके पास ही उसने आटे से एक गोल घेरा बना रखा था। सुधीर, तुम इस अग्नि के सामने बैठ जाओ और पार्वती तुम इस गोल घेरे में बैठो। ये सुनकर दोनों महेश की बताई जगहों पर बैठ गए। दोनों हाथों को जोड़ो और अपनी आंखें बंद रखना। दोनों ने हाथ जोड़ आंखें बंद की और फिर महेश ने भी कुंड में आहुति डालते हुए मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद जिस घेरे के अंदर पार्वती बैठी हुई थी उसमें बहुत तेज रोशनी हुई। इतनी तेज रोशनी की महसूस कर सुधीर ने अपनी आंखें खोल डाली। उसने देखा कि घेरे के अंदर सिवाय रोशनी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। महेश मंत्र जाप किए जा रहा था तभी अचानक से रोशनी खत्म हुई और पार्वती गायब हो गई। बाबा बाबा, पार्वती कहाँ गई? डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको अपनी तंत्र विद्या के जरिए काली दुनिया में भेजा है। वहां से वह अपने ऊपर लगे बांझ दोष को खत्म करके वापस लौटेगी। कुछ देर रुकने के बाद महेश ने फिर से मंत्र जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर से रोशनी हुई और पार्वती उसी गोले के अंदर वापस आ गई। उसको देखकर सुधीर खुश हो गया। अब तुम पर से बांझ दोष हट चुका है, जाओ अपने घर जाओ और दोनों एक हो जाओ। आज से ठीक 8 महीने 27 दिन बाद तुम यहाँ वापस आना। 3 दिन तुमको यही गुजारने हैं। उसके बाद तुम एक बच्चे को जन्म दोगी। याद रहे, यह बच्चा मेरे शिविर में ही पैदा होगा। उसके पैदा होने के दौरान मैं मंत्र जाप करता रहूंगा, वरना बच्चे की जान को खतरा होगा। नहीं नहीं बाबा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने महेश की बात मान ली। कुछ दिन बाद पार्वती को महसूस हुआ कि वो पेट से है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। गांव के लोग भी महेश बाबा का यह चमत्कार देखकर हैरान थे। अब 8 महीना 27 दिन पूरे हुए तो वो दोनों महेश के पास पहुंचे। अब तुम 3 दिन यही रहो इसी शिविर में। वो दोनों उसके शिविर में रुक गए। महेश रोजाना रात में पार्वती के पलंग के बराबर में बैठकर खूब मंत्रों जाप करता था। आखिरकार 3रा दिन गुजरा और रात में पार्वती को लेबर पेन शुरू हो गया। महेश उसके बेड के बराबर में बैठा मंत्र जाप करता रहा। सुधीर वहीं बैठा हुआ था। सुधीर, सुधीर। पार्वती दर्द में तड़प रही थी। महेश खड़ा हुआ और उसने पार्वती के पेट पर हाथ फेरा। चले आओ, इस दुनिया में आपका स्वागत है, आ जाओ मेरे देवता। ऐसा कहकर उसने जोर जोर से कोई मंत्र पढ़े। पार्वती का दर्द अब ज्यादा बढ़ गया। तभी उसका पेट फाड़कर एक छोटा सा खूंखार हाथ बाहर आया। जिसको देखकर सुधीर बेहद डर गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी उसका दूसरा हाथ बाहर आया और फिर उसकी गर्दन बाहर निकली। पार्वती का पेट फाड़कर अब एक बच्चा दुनिया में आ चुका था। देखते ही देखते सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही वो बच्चा बड़ा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, नाखून और दांत बहुत खूंखार थे, सर पर एक भी बाल नहीं था। वो अपना असली आकार लेते ही सबसे पहले पार्वती पर ही टूटा और उसका मांस चबाने लगा। यह तो शैतान है। तभी उसने पार्वती का शरीर छोड़कर सुधीर पर झपट मारा और उसको भी अपना शिकार बना लिया। वह सुधीर के सीने पर बैठ मांस खा रहा था और पास खड़ा महेश जोर जोर से हंस रहा था। सुधीर को खत्म करके अब वो महेश की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन उसने उसके गले में डला नरभक्षी का दांत देखा तो वो रुक गया। आपके गले में डला मेरे पिछले जन्म का ये दांत इस बात का सबूत देता है कि आप ही की वजह से मैं फिर से इस दुनिया में आया हूँ, इसलिए मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा।
और हर जगह सिर्फ शैतान का राज होगा। नरभक्षी आ चुका है। एंड फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल डिजिटल मार्केट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर आपको मिल सकता है अमेज़न का टॉप बेस्ट सेलर आइटम्स एंड डिस्काउंट प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड रोजाना अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।